प्रणाम जय जिनेन्द्र सो so, आज टुडे इज थर्टी फर्स्ट क्लास ऑफ तीर्थंकर चरित्र और आज इस क्लास में हम श्रेयांस भगवान का जीवन चरित्र को हम हम स्टार्ट करेंगे तो लेट्स स्टार्ट विद मंगलाचरण नमो अरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आचार्यनम नमो व्यायान नमो लोय सवसम ऐसो पंच नम्कार पावपरासुण मंगलांच सवे सिंह परमं राग्द्वेश विजेता सक्रपूज्य गिराशं तीर्थेशुतिमा पन्नगे चुरेन्द्रे कौशिके पाद संस्कृशि निर्विशेष मनस्काय श्रीवीरस्वाम नम अनातिराधा ज्ञान जननी जननीसलाकया नेत्रुन्मूित तस्म श्रीगुरव नम सर्वरिष्ट प्रणासाय सर्व सर्वल्धि निदानय श्री गौतम स्वामिने नम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यम ध्यांती योगिना नमो मोक्षदा प्रणाम जय जिनेन्द्र सो so, आज विल स्टार्ट विथ श्रेस नाथ जीवन चरित्र तो अभी तक हमारे थर्टी क्लासेस हुए और हमने इफ यू लुक बैक वी कवर्ड यू नो हमने अधोलोक का वर्णन देखा उसमें हमने सात नरकावास के बारे में देखा उसमें यू uh, नो you know, पंद्रह परमाधामी देवों का जो टॉर्चर है वो उसके बारे में देखा उसकी ज्योग्राफी देखी उसके बाद आई थिंक लास्ट फिफ्टीन क्लासेस से हम मध्यलोक का वर्णन हम हम देख रहे थे तो वो भी मध्यलोक का भी वर्णन हमने पूर्ण किया और अभी हम नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में हम उर्ध्वलोक का वर्णन हम स्टार्ट करेंगे पर बिफोर वी स्टार्ट द वर्णन ऑफ उर्ध्वलोक मुझे बीच में एक और टॉपिक लेना था और वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो टॉपिक है चक्रवर्ती और वासुदेव का तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि चक्रवर्ती और वासुदेव का साम्राज्य कैसा होता है उनके उन उनके लब्धि कितनी होती है उ, उनकी निधिज़ कौन सी होती है उनके रत्नस कौन से होते हैं तो वो सब हम बात करेंगे और ये टॉपिक लेने का रीज़न है कि श्रेयास भगवान के वक्त प्रथम वासुदेव का जन्म होता है वो भगवान महावीर के जीव है अगर आपको पता हो त्रिपुष्ट वासुदेव तो त्रिपुष्ट वासुदेव का एटीन भगवान महावीर का एटीन भव वो इस श्रेयांसनाथ भगवान के सेम सेम काल में भरत क्षेत्र में उनका जन्म होता है तो मैंने सोचा ये टॉपिक विल बी वेरी इंटरेस्टिंग तो अपने इस अवसर पीनी काल में टोटल सिक्सटी थ्री महापुरुषों का जन्म होता है उसमें चौबीस तीर्थंकर है बारह चक्रवर्ती है नौ वासुदेव है नौ प्रति वासुदेव है और नौ बड़देव है तो इस सिक्सटी थ्री जो महापुरुष है उनको त्रिष्टि सलाका पुरुष करके शास्त्र में लिखा गया है तो उसमें से जो बारह चक्रवर्ती है उसके बारे में हम हम पहले देखेंगे तो जो चक्रवर्ती है उनका जन्म यूजुअली उत्तम उत्तम गोत्र में होता है और उनका जन्म राज्य कुल में होता है और उनका शरीर वो सर्व जो सामुद्रिक शास्त्र के 108 जो लक्षण हैं वो सर्वांग वो सभी लक्षण उनके शरीर में होते हैं और जब उचित समय आता है तब चक्रवर्ती वो राज्य गादी पे आते हैं और राज्य गादी पे आने के बाद उनका उदय हारंभ शुरू होता है और वो समस्त खंड को वो जीत लेते हैं तो भगवान ऋषभदेव के समय से सबसे पहले भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती का जन्म होता है और उसके बाद हमने देखा सागर चक्रवर्ती अजितनाथ समय के वक्त तो ये सागर चक्रवर्ती अजितनाथ भगवान के भाई थे इफ यू रिमेंबर हमने उसका चरित्र देखा था वो अजितनाथ भगवान के भाई थे और उनके जो सिक्सटी थाउजेंड पुत्र थे वो सिक्सटी थाउजेंड पुत्र का वो जो अधोलोक के जो नाग देवता है उसने मार डाला था ये सागर चक्रवर्ती के पुत्र अगर आपको याद हो तो उन्होंने गंगा को डाइवर्ट करने का ट्राई किया था और इस डाइवर्शन के वक्त उ, उस उन्होंने जो रत्न यूज किया था वो दंड रत्न उससे उन्होंने हजार योजन तक उन्होंने जमीन खोदा था और उसके कारण जो नाग देवता के जो निकाय थे वो नष्ट हुए थे और उसके कारण क्रोध में आके नाग देवता ज्वलन मालिनी करके नाग देवता ने सागर चक्रवर्ती के सिक्सटी थाउजेंड पुत्र को यहाँ पे मार डाला था तो चक्रवर्ती ये जो चक्रवर्ती होते हैं वो एक अवसरपीनी काल में बारह होते हैं सिमिलरली उच्चपीनी काल में भी बारह होते हैं ये चक्रवर्ती का जीवन ऐसा होता है कि वो समस्त भरत क्षेत्र या समस्त ऐरावत क्षेत्र को वो जीत लेते हैं तो इसमें छह खंड होते और वो छह खंड के अधिपति बनते हैं और इस दौरान उनके जीवन में इतना भोग और इतना विलास होता है कि अगर इस चक्रवर्ती अपने जीवन में अगर दीक्षा ग्रहण न करे संयम जीवन ग्रहण ग्रहण न करे तो नियमा निश्चित वह नरक में जाते हैं तो इस पर काल में जो बारह चक्रवर्ती हुए उसमें से दो ऐसे चक्रवर्ती हैं जिन्होंने दीक्षा ग्रहण नहीं की और वो मर के सातवीं नरक में गए एक है शुभम चक्रवर्ती और दूसरे है ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती वो दोनों मर के वो सातवीं नरक में गए पर अगर चक्रवर्ती जीतने के बाद सब कुछ छोड़ के अगर वो दीक्षा जीवन संयम जीवन अंगीकार करते हैं तो आधर वो देवलोक में जाते हैं और आधर वो मोक्ष में जाते हैं तो इस अवसर पर काल में दो ऐसे चक्रवर्ती हैं जो देवलोक में गए वो थर्ड एंड थर्ड चक्रवर्ती और फोर्थ मधुआ और सनत कुमार वो दो चक्रवर्ती थर्ड देवलोक में गए और बाकी के आठ चक्रवर्ती वो सब, सभी मोक्ष में गए को, क्वेश्चन सर ओके तो बाकी के जो आठ चक्रवर्ती है वो तो मोक्ष में गए तो टोटल बारह चक्रवर्ती में से दो चक्रवर्ती सातवीं नरक में गए दो चक्रवर्ती देवलोक में गए दिस इज एक्स्ट्रा दे हैव टुडे मैं म्यूट करता हूं। uh, uh. आ, okay. तो टोटल अपने जो बारह चक्रवर्ती है उसमें से दो चक्रवर्ती नरक में दो चक्रवर्ती थर्ड देवलोक में और बाकी के सभी चक्रवर्ती मोक्ष में गए तो पहले चक्रवर्ती थे भरत चक्रवर्ती वो भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे वो उन्होंने दस हजार मुनिवरों के साथ दीक्षा लिया और वो मोक्ष में गए फिर सेकंड सागर चक्रवर्ती वो अजितनाथ भगवान के भाई थे उन्होंने हजार मुनि भगवंतों के साथ दीक्षा लेके वो भी मोक्ष में गए फिर मधुआ और सनत कुमार चक्रवर्ती वो धर्मनाथ और शांतिनाथ भगवान के बीच में हुए हम जैसे जैसे हम देखेंगे आगे जीवन चरित्र तो इनका भी जीवन चरित्र का वर्णन आएगा तो थर्ड एंड फोर्थ चक्रवर्ती धर्मनाथ और शांतिनाथ भगवान के अंतर में हुए फिर उसके बाद जो और तीन चक्रवर्ती है शांतिनाथ कुंतुनाथ और अरनाथ तो वो ऐसा है कि वो तीर्थंकर भी थे और वो चक्रवर्ती भी थे तो ये बहुत यूनिक है ये शांतिनाथ कुंतुनाथ और अरनाथ वो खंड के अधिपति बने वो चक्रवर्ती बने और वो चक्रवर्ती का वो छोड़ के उन्होंने दीक्षा ग्रहण किया और उसके बाद वो तीर्थंकर बने तो शांतिनाथ और कुंतनाथ और अर्नाथ उसके बाद एक चक्रवर्ती जो शुभम चक्रवर्ती वो अर्णनाथ और मल्लीनाथ के बीच में हुए वो मर के सातवीं नरक में गए हम शुभम चक्रवर्ती का भी हम जीवन चरित्र देखेंगे कि उन्होंने कैसे कैसे पाप किए थे आपको शायद पता होगा फिर उसके बाद महापद्म चक्रवर्ती वो मुनिश्रत के समय काल में हुए वो मोक्ष में गए फिर हरिश्न चक्रवर्ती वह नमीनाथ भगवान के समय काल में हुए वो भी मोक्ष में गए फिर जय चक्रवर्ती वो नमीनाथ और नैमीनाथ के अंतर में हुए वो भी मोक्ष में गए और लास्ट चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती वो शायद आपने सुना होगा वो उन्होंने अब्रह्मचर्य का खूब सेवन किया और वो मर के वो सातवी नरक में गए वो नैमनाथ नैमीनाथ और पार्श्वनाथ भगवान के अंतर में हुए तो ये जो बारह चक्रवर्ती है वो सभी कश्यप गोत्र के थे और उनका सभी सभी का शरीर सुवर्ण का था जैसे भगवान देव का जो शरीर था सुवर्ण का ऐसे ही सुवर्ण कांति वाला सभी का शरीर था उसके बाद नौ वासुदेव तो अभी हम जब श्रेयासनाथ भगवान का जीवन चरित्र स्टार्ट करेंगे तो तो ये जीवन चरित्र में हम पहले वासुदेव का भी जीवन चरित्र देखेंगे और वो है त्रिपृष्ठ वासुदेव तो ये वासुदेव का जीवन ऐसा होता है कि चक्रवर्ती जैसे छह खंड के अधिपति बनते हैं ऐसे वासुदेव तीन खंड के अधिपति बनते हैं तो वो आधा भरत क्षेत्र को वो जीतते हैं तो तो ये आ, ये सभी वासुदेव एक अवसर काल में नौ वासुदेव होते हैं और ये सभी वासुदेव मर के नरक में जाते हैं ऐसा नियम है क्योंकि उनके जीवन में काफी पाप होता है और वो संयम या दीक्षा जीवन वो ग्रहण नहीं करते और नियमा सभी के सभी नौ के नौ चक्रवर्ती मर के नरक में जाते हैं तो ये वासु सॉरी uh, नौ के नौ वासुदेव मर, uh, नरक में जाते हैं और ये वासुदेव के वक्त सेम समय पे सेम समय काल पे नौ बलराम नौ बड़देव का भी जन्म होता है और नौ प्रति वासुदेव का भी जन्म होता है सेम सेम समय में ये जो बड़देव होते हैं नौ बड़देव वो वासुदेव के बड़े भाई होते हैं तो शास्त्र में ऐसा आता है कि जो बरदेव होते हैं और वासुदेव होते उनके पिता सेम होते पर माता अलग होती है तो बेसिकली दे आर मॉल लाइक कजिन ब्रदर्स तो वासुदेव के बड़े भाई बरदेव होते और ये नौ के नौ बरदेव वो दीक्षा ग्रहण करते संयम जीवन अंगीकार करते और वो मरने के बाद वो इधर वो देवलोक में जाते हैं या इधर वो मोक्ष में जाते हैं और उसके बाद जो प्रति वासुदेव होते वो प्रति वासुदेव भी नियमा नरक में जाते हैं तो जनरली कैसा होता है ये नौ के नौ वासुदेव के जीवन चरित्र में जो प्रति वासुदेव होते प्रति वासुदेव सबसे पहले तीन खंड को जीतते हैं उसके उसके बाद ये वासुदेव प्रति वासुदेव को हरा के वो तीन खंड उनसे ले लेके वो तीन खंड के अधिपति बनते हैं ओके तो ऐसा तुमको जीवन चरित्र में तुमको जानने को मिलेगा तो ये जो प्रथम वासुदेव का जो जन्म होता है वो त्रिपृष्ट वासुदेव ये त्रिपृष्ठ वासुदेव भगवान महावीर का जीव है वो श्रेयासनाथ भगवान के समय काल में इस अवसर पर काल के प्रथम वासुदेव बनते हैं तो ये भगवान महावीर का जब जीवन चरित्र देखेंगे उसमें भी ये आएगा पर ये भगवान महावीर का एटींथ भाव है अगर तुमको पता हो पहला भाव नैसार का भाव था नैसार का भाव में भगवान महावीर को सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ फिर थर्ड भाव अगर पता हो मरीचि का भाव वो भरत चक्रवर्ती के पुत्र मरीचि का भव था वो थर्ड भव था उसके बाद सिक्सटींथ भव था वो विश्वभूति जो आज हम देखेंगे सिक्सटीन भव विश्वभूति का और एटीन भव वो त्रिपृष्ट वासुदेव का भव है वो श्रेयासनाथ भगवान के पैरेलली उनका स्टोरी यहाँ पे चलता है तो ये त्रिपृष्ठ वासुदेव uh, मर के सातवीं नरक में जाते हैं उसके बाद जो सेकंड वासुदेव है वे, वो द्विपृष्ठ वासुदेव वो मर के छठी नरक में जाते हैं थर्ड वासुदेव का नाम है स्वयंभू वासुदेव वो भी मर के छठी नरक में जाते हैं फोर्थ पुरुषोत्तम वासुदेव वो भी छठी नरक में जाते हैं फिर पुरुष सिंह वासुदेव वो छठी नरक में जाता है पुरुष पुंडरिक वासुदेव वो छठी नरक में जाता है दत्त वासुदेव पा। पांचवी नरक में लक्ष्मण राइट लक्ष्मण सबको पता है राम और लक्ष्मण तो लक्ष्मण भी वासु वासुदेव थे और राम वो 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 बड़देव थे तो लक्ष्मण वो मर के चौथी नरक में जाते हैं और हमको पता है कृष्ण वासुदेव वो मर के त्रीजी नरक में जाते हैं तो उस समय काल में जो प्रतिवासुदेव थे वो अश्वग्रीव तारक मेरक मेघकुट निसुंब बली प्र रावण और जरासन हमको रावण और जरासन के बारे में पता होगा लक्ष्मण के वक्त रावण था और कृष्ण के वक्त जरासन था। ओके तो ये सभी सो इन शॉर्ट सभी चक्रवर्ती अगर वो दीक्षा ग्रहण नहीं करे तो नहीं करे तो नरक में जाते अगर दीक्षा ग्रहण करे तो वो देवलोक या मोक्ष में जाते सभी वासुदेव नियमा नरक में जाते सभी प्रति वासुदेव नियमा नरक में जाते और सभी बड़देव वो दीक्षा ग्रहण करते हैं और वो आइधर देवलोक में जाते या मोक्ष में जाते कोई क्वेश्चन तो जो नौ बरदेव है हमने देखा कि वो जो नौ बरदेव वो वासुदेव के बड़े भाई होते उनका नाम है अचल विजय भद्र सुब्रभ सुदर्शन आनंद नंदन पद्मा, पद्मा मतलब श्रीराम और बलभद्र मतलब बड़देव तो ये ये नौ आ, शास्त्र में ये नौ बड़देव के नाम होते हैं तो ऐसा करके सिक्सटी थ्री महापुरुषों का जन्म होता है चौबीस तीर्थंकर बारह चक्रवर्ती नौ वासुदेव नौ प्रतिवासुदेव और नौ बड़देव उसके अलावा शास्त्र में और भी महापुरुषों के नाम आते हैं उसमें एक जो महापुरुषों के नाम आता है वो है नारद अगर तुमने नारद ऋषि का नाम सुना हो तो ये जो नारद होते हैं वो भी वासुदेव और प्रतिवासुदेव और बड़देव के सम काल होते हैं मतलब जब वासुदेव का जन्म होता है उसी समय काल में नारद का भी जन्म होता है तो ये अवसरपिनी काल में नव नारद की उत्पत्ति होती है नव नव नारद उत्पन्न होते तो ये नारद के जीव कैसे होते हैं तो शास्त्र में लिखा गया है कि जो नारद होते वो उत्तम सर्वोत्तम उनका ब्रह्मचर्य होता है और वो ना कुतूल वृत्ति के होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं और वो उत्तम ब्रह्मचर्य के कारण वो जो वासुदेव जो जो राजा होते हैं वासुदेव के वो अंतर अ, अंतरपुर में अर्थात उनके पैलेस में वो रहते हैं और वो उनकी रानी के जो जो, जो निवास स्थान में उसमें वो आते जाते रहते हैं उनका जो ब्रह्मचर्य का गुण है उसके कारण वो निसंदेह वो पैलेस में और रानी के अंतरपुर में वो आते जाते रहते हैं तो ये नारद वो उनका जो जो वृत्ति होता है वो क्लेश करने का वृत्ति होता है तो ऐसा बोलते हैं शास्त्र में कि वो एक राजा की बात दूसरे राजा को बताते हैं और दूसरे राजा की बात पहले राजा को बताते हैं तो उसके कारण दो राजाओं के बीच वो झगड़ा कराते हैं तो ऐसे करके नौ नारदों की भी उत्पत्ति होती है और उसके अलावा शास्त्र में लिखा है कि ग्यारह रुद्र एक अवसर पीढ़ी काल में ग्यारह रुद्र की भी उत्पत्ति होती है ये जो रुद्र होते हैं तो ऐसा उसका वर्णन आता है कि वो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं पर उनका कर्मोदय ऐसा होता है कि वो कर्मोदय के कारण वो व्यभिचार करते हैं लोक, लोक करते हैं तो ऐसे जो ग्यारह जो रुद्र है उसके नाम शास्त्र में आते हैं वो ये भीमवल जीत शत्रु वर वैश्वानर सुप्रिष्ट अचल पुंडरिक अजित धर अजित बल पेडाल और सत्य की सत्य की का आपने नाम सुना होगा महाभारत के वक्त तो ये तो तीर्थंकर के जीवन चरित्र में तुम नारद का भी यू नो तुम बीच यू नो काफी उल्लेख आएगा और इन रुद्रो का भी काफी उल्लेख बीच बीच में आता है तो ये क्लास में मुझे जो चक्रवर्ती के जो जो रत्न है चक्रवर्ती के पास चौदह रत्न होते हैं फोर्टीन रत्न और नौ निधिया होती है तो उसके बारे में मुझे इस क्लास में बात करना है कि ये रत्न ये चौदह रत्न कौन से होते चक्रवर्ती के तो पहला जो रत्न होता है पहले जो सात रत्न है फोर्टीन में से वो पहले सात रत्न वो एक जीव होते हैं वो पृथ्वी कायमय एक जीव है जो पहला जो रत्न है वो है रत्न तो बोलते हैं कि जब चक्रवर्ती का जब जन्म होता है और वो जब राज्य गादी पे आते हैं तब उनका जो उदय आरंभ उसका जब शुरू होता है तब सबसे पहले सर्वप्रथम इस रत्न का उत्पत्ति होती है तो ये चक्ररत्न आयुधशाला जो उनका जो शस्त्र का जो 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 घर है यू नो शस्त्र ग्रुह वहाँ पे ये चक्ररत्न उत्पन्न होता है तो ये चक्ररत्न कैसा है तो बोलते हैं कि ये चक्ररत्न वो चक्र आकार का होता है वो देह दीप्यमान होता है वो मोतियों से आलंकृत होता है और वो चक्रवर्ती के सदा अधीन रहता है वो सूर्य जैसा तेजस्वी है और वो हजार देवताओं से अधिष्ठित है और यह चक्ररत्न वो शस्त्र रूप है तो ये रत्न सर्व रत्नों में श्रेष्ठ है क्योंकि वो छे खंड के विजय में वो सहायभूत है और सबसे पहले उनके जो चौदह रत्न में ये चक्ररत्न सबसे सर्वप्रथम वो उत्पन्न होता है तो ये सस ये रत्न है बोलते है वो दुर्जय है अमोद शक्ति वाला है औ, और जिसको छोड़ने के बाद जब चक्रवर्ती है ये चक्ररत्न छोड़ते हैं तो सैकड़ों वर्षों के बाद दुश्मन जो राजा होते दुश्मन राजा का हर हरण करके उसको मार के वो वो रत्न वापस चक्र के चक्री के पास वो स्वयं वो अपने आप आ जाता है तो ये चक्र रत्न उसका एक विशेषता ऐसी है कि वो स्व गोत्र का हरण नहीं करता है अगर आपने हमने भरत चक्रवर्ती का हमने जीवन चरित्र देखा नहीं पर अगर तुम भरत चक, चक्रवर्ती का जीवन चरित्र देखो तो उन्होंने बाहुबली को हराने के लिए चक्र रत्न छोड़ा था पर चक्ररत् बाहुबली के तीन प्रदक्षिणा देके वो वापस आ गया क्योंकि चक्ररत्न स्वगोत्र का हरण नहीं करता है तो ये चक्र में उत्पन्न होता है और जो के जो के द्वारपाल है वो खुद ये समाचार लेके वो राजा के पास आते हैं और वो राजा जब ये समाचार सुनते हैं वो सात या आठ डगले भर के इस चक्ररत्न की वो स्तुति करते और वंदना करते और द्वारपाल को आभूषण आदि देके उनक, उनका उनका अभिवादन करते हैं उसके बाद चक्रवर्ती नगर की शुद्धि करते हैं और उसके बाद ये वो चंदन पुष्प आदि उत्तम द्रव्यों से इस चक्र रत्न का वो पूजा करते हैं और उसके बाद पूरे नगर में आठ दिन का अष्टानी का महोत्सव आदि करते हैं और प्रजा आदि को दान दे के उनको ऋणमुख करते हैं ये थाउजेंड हजार देवताओं से अधिष्ठित है ये रत्न छे खंड जीतने के लिए चक्रवर्ती को मदद रूप है और वो चक्रवर्ती को वो मार्गदर्शन देता है तो ये चक्ररत्न ऐसा है कि जब चक्रवर्ती की सेना जब चलती है ये चक्ररत्न एक योजन उसके आगे चलता है और वो चक्रवर्ती की सेना को वो मार्गदर्शन वो देता है तो पहला सबसे है चक्ररत्न फिर दूसरा उनका जो चौदह रत्नों में जो दूसरा रत्न है ये भी एक रत्न है वो है छत्ररत्न तो यह छत्र रत्न के बारे में शास्त्र में आता है कि ये छत्रर रत्न ये भी आयुधशाला मतलब जहाँ पे शस्त्र होते हैं वहाँ पे उत्पन्न होता है और वो छत्री जैसा वो गोलाकार है और वो मस्तक पे धारण करने के लिए सुंदर और मनोहर है ये चंद्र जैसा मनोहर है और ये छत्र रत्न नाइन्टी नाइन थाउजेंड सुवर्ण की सरिया से बना हुआ है अंदर के भाग में और बाहर का भाग वो मोती मणि और रत्नों का बना हुआ है यह भी देवताओं से अधिष्ठित है और उसका जो साइज है वो एक एक हाथ प्रमाण है ये चक्रवर्ती के स्पर्श से ये छत्र रत्न बारह योजन वो विस्तार वाला बनता है और ये चक्रवर्ती की सेना को वो मेघ मेघ आदि जो वेदर रिलेटेड जो उपद्रव है उससे वो रक्षण देता है तो ये छत्ररत्न जो वृष्टि गर्मी ठंडी आदि से पूरी सैन्य को वो प्रोटेक्शन वो रक्षण देता है ये ठंडी के वक्त वो गर्मी देता है और गर्म गर्मी के वक्त वो शीतलता प्रदान करता है और ये भी एक पृथ्वी कायमय रत्न है तो ये छत्र रत्न वो सेकंड उत्पन्न होता है वो एक के बाद सभी उत्पन्न होते हैं, उसके बाद थर्ड रत्न ये दंड रत्न तो ये दंड रत्न के बारे में हमने देखा था सागर सागर चक्रवर्ती के जीवन चरित्र के वक्त तो ये दंड रत्न भी आयुषशाला में उत्पन्न होता है और ये चक्री चक्रवर्ती के खबे पर वो रहता है ये चक्री के आदेश से वो ये से मार्ग में आने वाले जो भी ऊंची नीची जो भूमि है उसको सपाट बनाता है और वो गमना गमन के लिए वो सरलता प्राप्त कर प्रदान करता है ये शत्रु के उपद्रव को नाश करने वाला है चक्र चक चक्रवर्ती के इच्छित मनोरथ को वो पूरा करने वाला है और हमने देखा कि सागर चक्रवर्ती के जो पुत्र थे उन्होंने ये दंड रत्न यूज करके थाउजन योजन तक उन्होंने खाड़ा खोदा और उसके कारण नाग देवताओं के आवास को नुकसान पहुंचाया और उसके सिक्सटी थाउजेंड पुत्र ये रत्न यूज करके वो मर गए तो ये रत्न गुफाओं को भी गुफाओं के द्वार भी ओपन करने वाला है उघाड़ने वाला है और वो वज्र का बना हुआ है और वो पांच रत्नों से वो वो सुंदर और शोभित है तो ये दंड रत्न वो थर्ड उत्पन्न होता है उसके बाद फोर्थ रत्न हो उत्पन्न होता है वो है चर्म रत्न तो ये चर्म रत्न कैसा है तो बोलते है ये रत्न चर्म मतलब लेधर का बना हुआ होता है और ये चक्री के लक्ष्मी गुरु में जहाँ पे ट्रेजरी है लक्ष्मी गुरु वहां पे उत्पन्न होता है और ये और ये शत्री वत्स के आकार वाला है शत्रु से दुर्भेद और चक्री के संपूर्ण सेना उस उस पर यह बैठ सकती है तो बोलते हैं कि जब चक्रवर्ती गंगा या सिंधु नदी आदि को क्रॉस करने कर, करने का ट्राई करती है तब तब ये चरम रत्न पर वो बैठ के ये चर्म रत्न एक वाहन की तरह व्हीकल की तरह शिप की तरह वो काम करता है और वो गंगा सिंधु आदि महानदियों को पूरी सेना को वो क्रॉस कराता है ये दो हाथ प्रमाण है और चक्रवर्ती के स्पर्श से ये बारह योजन प्रमाण बन जाता है उसके अलावा ये चर्मरत्ना में ऐसा है कि लिखा है कि अगर जरूरत पड़े तो उसमें धान्य उगाए जा सकते हैं जो ग्रेन्स है फूड ग्रेन्स उसको उगाया जा सकता है तो ये शीघ्र उस पर उग जाता है तो अगर जो सैन्य है सैन्य सा, को खिलाने के लिए खाना के खिलाने के लिए जो सीड्स है वो सुबह को उसको उसको, उसको यू नो आ, रखा जाता है वाव किया जाता है और वो शाम तक वो धान्य वो तैयार हो जाते हैं तो वो धान्य आदि के ग्रोथ में भी वो हेल्प करता है तो फोर्थ है चर्मरत्ना फिर उसके बाद जो फिफ्थ जो रत्न उत्पन्न होता है वो है खड़क रत्न ये खड़क रत्न कैसा है तो बोलते है ये तलवार जैसा है और ये आ, ये भी आयुधशाला में वो उत्पन्न होता है ये रत्न अप्रतिहर शक्ति वाला है श्याम वर्ण का है और पर्वत वज्र जैसे दुर्भेद चीजों को भेद करने वाला है मतलब बड़े बड़े पर्वत को वो भेद करके मार्ग बनाने वाला है और वो निरंतर सुगंधी और अत्यंत तेजस्वी ये रत्न है तो ये फिफ्थ रत्न उत्पन्न होता है फिर सिक्स रत्न सिक्स रत्न के बारे में हमने पहले बात किया था हम जब मध्य लोक के बारे में बात कर रहे थे तब तो हम जब जब हम भरत क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे तब इसके बारे में बात किया था आई डोंट नो कितने लोग को याद है पर सिक्स रत्न है काकिनी रत्न तो ये रत्न जो काकिनी रत्न है नो सबसे पहले कैसा होता है कि जो चक्रवर्ती होता है वो ये भरत क्षेत्र का मैप हमने देखा था कि सबसे पहले उन, उनकी उत्पत्ति खंड एक में होती है अयोध्या नगरी में होती है दक्षिण भाग, भाग में और सबसे पहले वो खंड एक खंड दो और खंड छे को वो जीतता है फिर उसके बाद वो खंड तीन और खंड पांच को भी जीतता है और लास्ट खंड जो हो जो बाकी रहता है वो है खंड चार तो ये खंड एक से जब उनको खंड चार की तरफ उनको उनको जाना होता है तो ये तमिस्त्रा और खंड प्रतापा गुफा के के थ्रू ये चक्रवर्ती और उस उसकी पूरी सेना वो ट्रैवल करती है तो इसके बारे में हमने देखा कि ये जो गुफाएं है गुफाएं अत्यंत अंधकारमय होती है और उसको उसमें ये गुफाओं में सूर्य और चंद्र का प्रकाश नहीं होता है तो इसलिए ये काकेरी रत्न का वो उपयोग करते हैं तो ये काकेरी रत्न एक ऐसा रत्न है कि जब ये चक्रवर्ती की सेना जब ये गुफा में प्रवेश करती है तब ये काकेरी रत्न द्वारा फोर्टी नाइन मांडला वो दीवाल पे कोतरते हैं ये रत्न द्वारा तो ये तो ये रत्न का प्रभाव ऐसा होता है कि जो मांडला जो तो कोतरते हैं तो ये मांडला वो प्रकाश ये गुफा को प्रकाशित करता है तो हर एक मांडला बारह योजन तक वो प्रकाश फैलाता है तो शास्त्र में लिखा गया है कि जब तक चक्रवर्ती जीवित है तब तक ये गुफा के जो द्वार है वो ओपन रहते हैं और मांडला का प्रकाश वो निरंतर चालू रहता है और लोगों के गमनागमन में वो सहायभूत रहता है पर जैसे चक्रवर्ती मर जाता है तब भी ये गुफा के द्वार बंद हो जाते हैं और जो मांडला के प्रकाश भी वो बंद हो जाता है और परमानेंट ये रास्ता बंद हो जाता है तो जब चक्रवर्ती की सेना ये खंड एक से खंड चार की तरफ जाती है और जो यहाँ पे भीषण युद्ध होता है यहाँ के राजा के साथ और उनको हरा के जब चक्रवर्ती छे खंड के अधिपति बनते हैं तो खंड चार पे एक पर्वत है उसका नाम है ऋषभकूट ये ऋषभकूट पर्वत पे चक्रवर्ती पुराने चक्रवर्ती का नाम वो भूस देता है और अपना नाम वो अंकित करता है जो ये भूसने और अंकित करने का जो क्रिया है ये काकिनी रत्न द्वारा होता है ये काकिनी रत्न वो भूसने का भी काम करती है और वो नए नाम को भी आलेखित करने का वो काम करती है तो अत्यंत महत्वपूर्ण ये, महत ये रत्न है उसके बाद जो सेवंथ जो एक लास्ट एक इंद्रीय रत्न है वो है रत्न तो रत्न कैसा है कि बोलते हैं ये भी लक्ष्मी ग्रह में उत्पन्न होता है इसका उपयोग जब रत्न और रत्न जो प्रीवियस हमने जो द, दो रत्न देखे रत्न और रत्न उसका वो लोग टेंट या संपुट जैसा बनाते हैं कि वो सैन्य वहां पे रह पाए युद्ध के वक्त तब जब ये संपुट वो बनाते हैं तब ये रत्न को वो तम तंबू पे वो बांधते हैं और वो बारह योजन तक पूरे टेंट में पूरे संपुट में वो प्रकाश फैलाता है और उसके अलावा जब चक्रवर्ती की सेना जब खंड एक से खंड चार की तरफ जाती है तमिस्त्रा और खंड प्रताप गुफा के साथ के मार्ग से तब चक्रवर्ती ये रत्न को हाथी पे अपना जो हस्ती होता है उस पर वो बांधता है और वो पूरे बारह योजन तक वो प्रकाश फैलाता है उसके बाद शास्त्र में लिखा है कि ये रत्न अगर मस्तक पे या हाथ पे बांधा जाए तो वो सर्व उपद्रव का नाश करता है सुख संपत्ति को देना है देव तिर्यंच और मनुष्य के सभी उपद्रव का नाश करने वाला और शत्रु के शस्त्र से अवध्य बना देता है और भय मुक्त बना देता है और वो जो चक्रवर्ती के जो नख केश आदि की वृद्धि को रोक देता है अर्थात वो सदा चक्रवर्ती को यौवन यौवन रखता है तो ऐसा करके सात रत्न का उल्लेख आता है ये सात रत्न एक इंद्रिय जाति के रत्न है आ, हम नेक्स्ट क्लास में और सात रत्नों का बात करेंगे वो पंच इंद्रिय जाति के रत्न है और उसके बाद हम वासुदेव के भी अलग रत्न होते तो उनके नौ रत्न होते उसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे